देश के नंबर वन टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है। माझा आवाहन है की राहुल गांधी जी जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता और उनके सहयोगी दल के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। इन बयानों से कांग्रेस के बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे भयंकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने सीधा पीएम मोदी को खत लिख दिया है। खड़गे ने खत में लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियां न केवल अपमानजनक हैं बल्कि हिंसा को भी बढ़ावा देती हैं। खड़गे ने इस मामले में पीएम मोदी से दखल देने की अपील की। उन्होंने खत में साफ साफ लिखा है कि बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही हिंसक और अभद्र टिप्पणियां लोकतंत्र के भविष्य के लिए हानिकारक हैं। खड़गे ने इन बयानों पर रोक लगाने और ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ बेहद अपमानजनक हिंसक अशिष्ट बयानों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और कर रहे हैं तो इसके लिए मैं इसका खंडन करता हूं। और ऐसे जो घातक शब्द है और जिससे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलेगा इस ऐसे बयानों से, केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर एक आतंकवादी कह रहे हैं ये बहुत ही खंडनीय है और उनको इसके बारे में बोलते वक्त थोड़ी सी अपनी जबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए। खड़गे ने जिन बयान का जिक्र अपने खत में किया है चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देश के नंबर वन टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए। या राहुल गांधी ने जो शब्द बोलला कि आम्हाला आरक्षण संपायचंय, माझं आवाहन आहे की या राहुल गांधीजी जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी। इन बयानों का जिक्र मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ जब वो 100 दिन का लेखा जोखा लेकर आए थे। इस दौरान अमित शाह ने कैसे सवाल को टाल दिया देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं। देश के नंबर वन। हालांकि इन बयानों को लेकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर निशाना साधा था और बीजेपी के नेताओं को नफरती चिंटू बताया था। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी, ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं उस पर गोलियां चलाते हैं, ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं कहां पर हिंसा भड़काएं और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं।
ये जो अपराधियों का झुंड है ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घूमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पर दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जनविरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बनके खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए, इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा, और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है और वो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी के बारे में बातें बोली जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे लोग बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को उठाया है, लेकिन उनको लगातार टारगेट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आज बीजेपी बैकफुट पे है, हर जगह पिछड़ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, तो राहुल जी को टारगेट करने का उनका सिर्फ यही है कि वो अपनी बौखलाहट को दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और अपनी जिम्मेदार पद पर बैठ के लोग अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार की भाषा का सभ्य समाज में कोई प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन वो कितना भी कोसें, गालियां दें, आरोप लगाएं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कमिटेड हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन बेवजह उनको टारगेट करना और जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज करी है, मैं समझता हूँ इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, वो अक्सर विदेश में ही रहते हैं। मैंने कहा ना, ये इनका एक ही उद्देश्य है, जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, जब जनता उनको रिजेक्ट करती है, जब वो चुनाव लगातार हारने की तरफ जाते हैं, तो बौखलाहट में एक एजेंडा रहता है कि राहुल गांधी जी को उनको टारगेट करना है, अपशब्द प्रयोग करने हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बड़ा निंदनीय है, कंडेमेबल है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।